नहीं मारती, वो भी कह रहे नहीं मारती मैं तो। ये भी है माशाल्लाह से, अल्लाह सबको दे, अल्लाह हमें भी देगा, हम भी लेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सामी को उम्मीद करते हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे खुश आबाद रस्ते मुस्कुराते रहें और अपने बहन भाई के साथ सलामत रहे। अल्लाह पाक आपकी रिज़्क रोज़ी में भी बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी आज अभी ना दोपहर के बज चुके हैं 12, तो मैंने काम वगैरह नहीं किया, देश भी चले गए हैं काम पर, क्योंकि हम ब्लॉग वगैरह ना छोड़ छोड़ के बना रहे हैं। तो उस दिन बस ये बेबी वाले हमने ब्लॉग बनाया था कि बेबी चला गया अपने घर, तो उससे पहले हम मैंने उससे बाद उसके बाद कुछ भी वीडियो नहीं बनाई, वो इसलिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हल्के पड़ गए हैं, तो मेरी अंदर की तकलीफ जो उनसे है वो ठीक नहीं हो रही, तो पता नहीं क्या मसला है। मैंने अभी सोचा, दृश्य कह रहे थे कि हम जाएंगे किसी अच्छे डॉक्टर के पास, तो उनको चेकअप वगैरह करवाएंगे, तो मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाया था, उन्होंने कहा था कि कुछ भी नहीं है इतना मसला, आप ठीक हो जाओगी। तो फिर ना मेरा दिल फिर भी नहीं माना, क्योंकि मैं सारी सारी रात सोती नहीं हूँ, बैठी रहती हूँ, और सांस का भी जैसे पहले होता था वैसे ही सारा कुछ हो रहा है मेरे साथ पहले जैसे। तो इसलिए हमने घर भी चेंज इसलिए किया था कि क्या पता मैं बाहर ठीक हो जाऊँ। फिर भी मैंने ये देखे जी थोड़े थोड़े से करके कपड़े भी साथ साथ धो रही, और घर का काम देख लें अब सारा वैसा का वैसा पड़ा है। तो अनाया बाजी भी है इधर, अनाया को आपकी मुलाकात करवाते हैं। हाँ जी सलाम कर दो। हाँ जी, तो ये मुझे कह रही थी मम्मा मैं घर का काम कर दूँ, मैंने कहा नहीं आप रहने दो, तो थोड़ा थोड़ा सा ना जितना मेरे से होता है मैं उतना कर देती हूँ, बाकी पड़े रहता है। तो अभी अदरीस काम पर गए हैं सुबह के, तो मैंने घर का काम कोई भी नहीं किया हुआ, तो बेचारे को मैंने इनको भी नहीं खोला, क्योंकि ये बाहर चली जाती है और ये बाहर जाती है फिर अंदर नहीं आती। ये देखिए अभी नहीं निकालना आपको बाहर, आप अंदर ही रहो। ये बेचारी उठ रही थी बाहर आने के लिए। खैर तो आप सबने भी दुआ करनी है, मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, तंदुरुस्त है, आपकी रिज़्क रोज़ी में भी बरकत डाले, आपके बहन भाई के साथ सलामत रखे। तो जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा दे, तंदुरुस्ती दे। तो मुझे खुद को भी नहीं समझ आ रही कि मुझे क्या है क्या हो रहा है, तो बस आप सबने दुआ करनी। तो आप मानेंगे नहीं आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, तो मैंने कहा चलो हम ना काम वगैरह कर ले घर का। तो एक मेरी आप ही है, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे अभी मैसेज किया कि समरीन आपने इतने दिन हो गए मुझे नाते तो आप सुनाती हो, कसीदा भी सुनाते हो आपकी, मुझे ना आवाज़ अच्छी लगती है, तो आपने बस मुझे ये सुनाना है लंबी जुदाई वाला सॉन्ग जो मैं गाती हूँ, कहते आपने मुझे वो सुना। मैंने कहा ठीक है आप, मैं आपको सुनाती हूँ। तो मैंने वैसे व्लॉग अदरीस ने कहा था कि अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो बनाना व्लॉग, अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आपने व्लॉग नहीं बनाना। तो अभी उसके भी कपड़े पड़े हैं धोने वाले, तो यहाँ पे भी अभी कपड़े जी पड़े हुए हैं, तो अभी समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो अभी देखते हैं जी, झाड़ू वगैरह चार पाए हुए, वो बेचारे खुद अंदर रखे गए हैं सारा सामान अदरीस। तो आप कह रहे थे कि आपने ना आ रही हूँ आप बैठो उधर भाई, ने ना गर्मी है तो ना मेरी ना गर्मी की वजह से भी घुटन होती है बहुत ही ज़्यादा, गर्मी भी है, पर आपको तो पता है कि पहले से माशाल्लाह से मौसम बेहतर हो गया है फिर भी गर्मी बर्दाश्त मुझसे नहीं होती, तो परेशानी होती है। तो अदरीस ना सुबह मुझे कह के गया कि आपने रेस्ट करने समरीन काम कोई नहीं करना, मैंने कहा नहीं मैं काम करूँगी और कौन करेगा, घर में गंद अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस दरख्त की वजह से ना सारा ये नीचे पत्ते आ जाते हैं, तो बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है, तो मैं शाम को भी लगाती रहती हूँ, दो टाइम सफाई करती थी। तो देखिए जी माशाल्लाह से हमारे फूल, इनको भी पानी नहीं दे रहे कितने दिन से, तो अदरीस सुबह के किन 7 बजे उनको जाना पड़ता है काम पर, ये देखिए जी। तो इसलिए ना फिर मैंने कहा चलो आपको फूल दिखा दें कि कितने दिनों के फूल हमने नहीं दिखाए थे, ये देखें जी ये हमारे फूल है, ये चेक करें माशाल्लाह से। तो अभी कवा मामा भी नहीं आ रहा, बहुत दिनों गए, उसको भी उसको पता है अब कि अब समरीन व्लॉग नहीं बना रही, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उसने भी मेरा फ़ायदा उठाया। चले जी अभी देखते अगर तबीयत ठीक होगी तो आप ही आपको सुना दूँगी सॉन्ग, अगर नहीं ठीक हुई तो इस फिर आपको देखेंगे थोड़ी थोड़ी आवाज में सुना दूंगी। हट नया अनाया भी मेरे साथ ही अभी आई है, अभी खेलती ऊपर, मैंने कहा पंखा चल रहा हम थोड़ी बहुत ना हवा लगवा लें। हाँ तो बेबी को हमने दे दिया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रोती थी, क्योंकि ना अभी छोटी सी बच्ची ही थी वो, तो इसलिए मैंने उसको वापस दे। तो अनाया भी कुछ दिन उदास हुई थी उसके बगैर, अनाया के बाबा भी उदास थे और मैं खुद भी उदास थी, क्योंकि 2-3 दिन बेटी रही है बेचारी, वो कह रहे थे अपनी ना
चार पाँच महीने की थी माशाल्लाह, उसको पहचान थी अपनी अम्मी के हाथों की, घर वालों की, सब की। तो हमारे अभी नई नई हाथ में आई थी, तो इसलिए उसको ना वो ना हमारी याद ही नहीं थी, इसलिए फिर वो रो रही थी। फिर हमने उसको ना घर पहुंचा दिया। चलें जी अभी देखते हैं काम वगैरह कर ली, फिर अपनी बहन भाई के साथ मुलाकात करते हैं। पाक आपको खुश रखे। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम करें जी नाश्ता। अगर किसी भी बहन भाई ने कहना तो हमारे साथ आ सकते हैं अदरीस के, तो सुबह सुबह नाश्ता लेने के लिए। तो साथ में ये राइस है, तो इसे हम क्योंकि ये अभी गर्म है, इसको खोलेंगे तो ये ठंडे हो जाएंगे। तो नए के लिए आती आती केक भी ले आई, तो नए के लिए मम्मा मैंने खाना नहीं खाना, मेरे चॉकलेट जिसके नीचे इसने उल्टा पकड़ा हुआ है, तो और लेके आइए जी सालन चिकन का। तुम कर रहे नाश्ता नान के साथ, मैंने नान को ऑयल लगा लिया, ये देखिए ठीक है। अगर किसी भी बहन भाई खाना तो आ सकते हैं आप। चले जी अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, तो अदरीस चले गए हैं काम पर। तो मैं आई थी बाहर मुर्गियों को देखने के लिए, क्योंकि अंदर आया अंदर है, मैंने कहा चलो इनको अंदर वो इनको अंदर ले जाएं। तो अभी ये यहाँ पे खेल रही हैं, ये देखें जी। तो माशाल्लाह से हवा भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, तो मैंने व्लॉग ना छोड़ छोड़ के बनाती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रह जाती है, इसलिए तो मेरी आँखें भी कुछ बेहतर हो गई, आपको नज़र आ रही होंगी। आपने व्लॉग में भी देखना है, क्योंकि वो वाला व्लॉग मैंने काफ़ी 2-3 दिन से बनाया हुआ था, फिर मैंने कहा मैंने सोचा कि चलो मैं अब नहीं बनाऊँगी, तो जब तक ये मेरी आँखों के निशान सही नहीं होते। तो जी मैं यहाँ पर आई हुई काफ़ी दूर, ये देखें यहाँ पर लकड़ी वगैरह पड़ी हुई है हमसायों की। मैंने कहा चलो मैंने यहाँ से जल्दी जाऊँ व्लॉग भी बना लूँ साथ साथ। तो नया भी खेल, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम भी घर का काम भी करना है, सारा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से ना साथ साथ व्लॉग भी बना लूँ और वॉक भी कर लूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख एहसान है। मेरे मुँह के ऊपर जो सी स्वेलिंग वगैरह हो जाती थी, सूजन वगैरह, अब वो नहीं होती, हाथ पांव पे भी नहीं होते। लेकिन आपको तो पता है कि मेरे गुर्दों का मसला था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह के लब एहसान है, अब इतनी मुझे तकलीफ दर्द नहीं होता। तो वैसे ना इतनी तकलीफ़ नहीं होती जैसे पहले होती थी ना, उस तरह से नहीं है। तो खैर अभी मैं आई थी बाहर ये हवा और मुर्गियों को वो सॉरी हवा एंजॉय करने के लिए, कि बाहर प्यारी प्यारी हवा चल रही है, ये देखिए जी दरख्त कैसे हिल रहे हैं। तो यहाँ पे मुर्गियाँ भी घर के बिल्कुल सामने खेल रही हैं। तो ना ये भी अंदर है, अभी चलते हम खिलार वगैरह उठाते हैं, सफाई वगैरह करके इंशाल्लाह फिर अपने बहन भाई के साथ भी मुलाकात करते हैं। बर्तन भी उठाने हैं मैंने, ये देखिए वैसे के वैसे पड़े, क्योंकि अदरीस चले गए थे जल्दी में। तो हमारे फूल भी देखे जी मुरझा गए हैं, ये देखें फूल अब नहीं है, ये देखें। चले अभी इनको पानी देते, फिर काम वगैरह करके इंशाल्लाह अपने बहन भाई के साथ मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। चले जी मैं वापसी से आ गई हूँ पहले वाले घर में जहाँ पे हम रहते थे, तो यहाँ पे आ गए हैं। और तो यहाँ पे अनाया बाजी के काम देखे, क्योंकि इनके घर आती रहती है ना। नया सलाम कर दो। हाँ जी, तो अपने बहन भाई के साथ सलामत रहिए, भी बोला करो आप। नहीं आता ना मम्मा। चलो अब मैं कह रही हूँ ना, बोला अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ सलामत रहे। सलामत रहे। आमीन आमीन। हाँ जी, तो जी ना ये खेल रही है जाली के अंदर, तो ये आगे थे यहाँ पे, और तो उन्होंने अपना सामान वगैरह सब यहाँ पे उन्होंने सिस्टम किया हुआ है। तो मैंने कहा चलो मैं जाऊँ, तो वैसे ही जाते जाते वीडियो भी बना लें और आपको दिखा भी लें। तो ये है जी मेरा पुराने वाला किचन, तो यहाँ पे ना असल में लाइट नहीं है, तो हम आपको पता है कि गर्मी की वजह से उधर जाके नहीं रहते। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ना इन्होंने अपनी बकरी वगैरह भी रखी हुई है, ये देखिए। ओए ये तो मारते हैं ना, ये नहीं मारते। हाँ जी ना मुरेसी नहीं मारती वो भी कह रहे हैं नहीं मारती मैं। तो ये भी है माशाल्लाह से, अल्लाह सबको दे, अल्लाह हमें भी देगा, हम भी लेंगे इंशाल्लाह। हंसी आती है। तो ये है जी, ये इसकी बड़ी बहन है, नहीं ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन। उठो बहना 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 नहीं उठती, अभी इसको गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो ना मैंने अभी तक घर का काम कोई भी नहीं किया ना, तो मैंने खिलाड़ वगैरह वैसे उठा लिया था सारा,
तो यहाँ पे उन्होंने मुर्गे वगैरह का भी सिस्टम किया हुआ है। ये देखिए जी माशाल्लाह से ये दो मुर्गी हैं, ये देखिए। तो खैर अभी हम जा रहे हैं जी घर, देखते हैं फिर क्या करते हैं, काम वगैरह कर लें, क्योंकि धूप आ गया ना सहन में, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ना झाड़ू मार लूँ, क्योंकि ज़्यादा धूप होगी तो फिर मैं नहीं कर सकूँगी काम घर का कोई, तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ। तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है। तो आपको तो पता है कि मौसम वैसे माशाल्लाह से काफ़ी चेंज हो गया है, तो अब इतनी गर्मी वगैरह भी नहीं लगती। खैर हम जा रहे हैं घर, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या करना है ना नया, है ना ये नया भी मेरे साथ साथ जी चल रही है, तभी हम जा रहे हैं घर। तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद, है ना। इधर देखो ना, तो यहाँ पे जी ये नया की दोस्ती भी है ना, तो नया भी इनके साथ खेलती रहती है। तो आ जाओ जाओ। तो अभी ना मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मैं इससे इतना बाहर नहीं निकलने देती ना घर से, तो इसलिए आज भी ये घर पे रहेगी, मैं इसको नहीं जाने दूंगी। चलो आ जाओ आ जाओ, चलें जी देखते हैं अभी। खैर बिछड़ी बस कल परसों कैसे इस हाल चार दिन दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं है, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं है। हिजर की ऊंची दीवार बनाई है लंबी जुदाई, चार दिन दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। पर बात भूल गए हम, इतना सा छोड़ गए, इन बारिशों में कोई नहीं है, हम और बस तन्हाई है, सुनी है रही तन्हाई, नींद से पहले हर वो पल जब साथ में
कोई प्यारा होंदे मर वेंदे दिल विथी वती अपने बस तो बर वेंदे दे जड़ो कोई प्यारा होंदे मर वेंदे ता यार तो यार प्यारा फुट वेंदा है यार प्यारा फुट वेंदा है जब दिल 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 टूट वेंदा है जब दिल 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 टूट वेंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने घर का सारा काम वगैरह कर लिया है, तो घर पे मैं सुबह के टाइम अकेली होती हूँ, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के घर, जिसके घर के मैंने आपको वीडियो दिखाया है जहाँ पे हम पहले रहते थे, वहाँ पे मैं जा रही हूँ क्योंकि घर कोई नहीं है इसलिए। तो फिर मैंने कहा चलो अपनी बहन भाई को भी हम दिखा, फिर इसी ब्लॉग का हम यहाँ पे करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले रखेगा अपने ख्याल, खुश है, अल्लाह हाफिज़।